अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन, कल परसों एक प्रपोज़ल वाज रनिंग अराउंड विच वाज विच सेट के जी पैमरा आप पे 5 मिलियन और 10 मिलियन के यूट्यूब क्रिएटर्स पे लाइसेंस के चार्जेस लगाने लगे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कहीं से पॉलिसी नहीं है, ना ये प्रपोज़ल अभी तक पास हुआ है, बट ये प्रपोज़ल में बात आई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये रूमर मिल एक बार फैलनी शुरू हो गई, सो यू हैड दिस दिस वन यूट्यूब क्रिएटर आई सॉ मुजम्मिल एंड देन ही डिड बंच ऑफ स्टोरीज वेयर ही वाज एक्सप्लेनिंग कि क्या लोग पागल हो चुके हैं, जर्नलिज्म इज डेड इन पाकिस्तान, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं, और एम ही बोलना शुरू कर दिया है। सो आई हैपन टू रीड इट एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वी हैव गिवन द लिंक इन द बायो एंड इफ यू आर वॉचिंग ऑन स्टोरी यू कैन स्वाइप अप एज वेल, रीड इट फर्स्ट बिफोर कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो। बट आपका पता है, वरना आप मुझे सुन लें, मैं अभी आपको सेलियन पॉइंट बता दूंगा, बट डेफिनेटली रीड इट नाउ। द प्रॉब्लम विद व्हाट मुजम्मिल सेड वाज उसने ज़्यादा डेंट क्रिएट कर दिया, क्योंकि अगर आप प्रपोजल पढ़ें तो प्रपोजल में बहुत सारे मसले हैं एंड ही इन हिज इंस्टा स्टोरीज ट्राइड टू मिटिगेट इट अ लॉट। ही वाज लाइक हम गलत हैं जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो बात सही है कि ये प्रपोजल अभी तक पास नहीं हुआ और ना कोई कह, मतलब जो वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, बट that doesn't mean that this proposal is super problematic. It doesn't mean that people are actually discussing the fact that PMRA is even thinking ki is tarah ki cheez honi chahiye is scary. Aur aapka precedent hai, kyunki this is won't be the first time that PMRA has done something like this now, is it? PMRA ne Jio ke bhi 1 million ka fine lagaya jab wo NAB ke chairman ke upar gaye koi baat cheet ki, unhone Sama TV pe bhi lagaya jab unhone Imran Khan ki marriage ki life ke bare mein baat ki. So PMRA doesn't have a line, especially with this government they have gotten an open hand, right? दूसरी बात, मुजम्मिल ने जी एक और भी ब्लॉगर ने बात की कि जी PTA आपके ऊपर कोई एक्शन ले सकेगी, आप लोग वैसे ही डर रहे हैं, पैमरा आप पे कोई एक्शन नहीं ले सकेगा। पहली बात है जी, पैमरा काम करता है इन कोऑर्डिनेशन विद PTA। उस डॉक्यूमेंट में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ एंड पे कि जी अगर ना किया किसी ने भाई तो PTA आपके खिलाफ एक्शन लेगा और PTA आपको अरेस्ट भी कर सकता है, PTA आपका URL ब्लॉक भी कर सकता है। सिंपल। माई मेजर प्रॉब्लम इज ऑल्सो विद दीज पीपल हु आर डिफेंडिंग और एटलीस्ट नॉट ही वाजंट इवन डिफेंडिंग, नॉट दे आर नॉट डिफेंडिंग, बट दे आर ट्राइंग टू से कि अच्छा है इसके बारे में बात ना करें, कुछ गलत नहीं, आप गवर्नमेंट को बस कुछ ना कहें किसी तरह, बस थोड़ा बहुत कहें और कहें कि ठीक है हम वेट करते हैं। क्यों जी, दे आर नो टू वेज अबाउट इट, दिस प्रपोजल इज रॉन्ग प्लेन एंड सिंपल A to Z एंड आई विल टेल यू वाई। नाउ इफ यू रीड द प्रपोजल, ए इट इज सुपर वेग। अगर आप प्रपोजल पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ों की बात हो रही है, एक OTP और एक Web TV। अब प्रपोजल में क्या कहता है, प्रपोजल में नटशेल में वो कहता है जी Web TV हर चीज़ है, यूट्यूब पे भी हो सकता है, अगर आप किसी भी URL पे जाके जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म है जहाँ वीडियोस वगैरह होती हैं और आप जाके वहाँ कोई कंटेंट अंदर प्रोड्यूस करते हो और वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या कोई और साइट हो, तो उसके ऊपर आपको एक लाइसेंस लेना चाहिए और लाइसेंस के ऊपर आपको फ़ीस देनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरा आ जाता है OTP, वो कहते हैं जी ये ओवर द टॉप है, ये जी ये जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज होती हैं, तो अगर आप कोई कंटेंट दे रहे हो उसके ऊपर आप सब्सक्रिप्शन देते हो कि यार आपने जी इतने पैसे देने हैं इस कंटेंट के लिए, एडिटोरियल हो जो मर्जी हो, तो दैट इज़ OTP सर्विस। अब मसला है, सब लोग कह रहे हैं जी OTP बड़ी नेटफ्लिक्स और इनके लिए, नहीं उस प्रपोजल में कहीं नहीं लिखा, उस प्रपोजल में और भी वेग हो जाता है, एक जगह वो सब्सक्रिप्शन पैसों के ऊपर कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि अगर आपका कॉन्टेंट ही इस तरह है जिसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है बट इट इज़ बेस्ड towards a certain niche and even if there is no subscription you're not charging your customers any money, that can also be considered OTP. Now that's problematic, right? Wo Web TV mein ye kehte hain ki phir kaun decide kare, kya matlab, what are these parameters which will define ki ji kaun si content niche hai, kaun si usse, to har content maker has a certain target audience, so first of all that creates a problem that how you're differentiating OTP with Web TV. दूसरा मसला, उन्होंने जो मेन क्रक्स इस चीज़ का कहा जी हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा देखें जी Web TV और OTP की जो ऑडियंस है वो डायरेक्टली कम्पीट करती है TV वालों की ऑडियंस के साथ। नाउ माइंड यू, हम 2020 में हैं जहाँ लोग इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोस्टली पीपल आर गोइंग ऑनलाइन एंड इफ यू नॉट दे आर टेलिंग पीपल टू गो ऑनलाइन, ऑल्सो वी नीड मोर एंड मोर सब्सक्रिप्शन सर्विस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। हु सब्सक्राइब्स टू एनीथिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ, अब पाकिस्तान लोकल सर्विस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Netflix। अगर आप ऑडियंस के साथ केटर कर भी रहे हैं तो कौन नहीं कर रहा, हाउ आर यू, हाउ कैन यू नॉट कम्पीट व्हेन आई प्रोड्यूस समथिंग, व्हेन आई प्रोड्यूस एनीथिंग, इवन इफ देयर इज अ पर्सन हु वॉचेज समथिंग ऑन Jio एंड स्टफ, ऑब्वियसली आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, आई वॉन्ट टू वॉच माई कॉन्टेंट इन स्टेट राइट, एंड इवन इफ दे आर कंज्यूमिंग दैट कॉन्टेंट दे कैन कंज्यूम इट बट देन दे कैन कम टू मी राइट। आई एग्री जी, जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके TV ड्रामे अगर कोई कॉपी राइट कर रहा है वो ला रहा है, आप उस पर एक्शन लें, बट ये उसकी बात नहीं है, दीज आर अबाउट दिस कॉन्टेंट क्रिएटर्स, दी स्मॉल कंपनीज हु आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट चीज़ों के बातें कर रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाउ
दे आर बेटर क्वालिटी, आई फील दे आर मच बेटर देन टीवी का कंटेंट। अगर अगर आप गवर्नमेंट आके टीवी को इस तरह की एक ऑलरेडी डाइंग इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करना शुरू कर दे, तो फिर तो आप टीवी कभी भी नहीं इम्प्रूव करेगा। ऑलरेडी आपकी पैथेटिक फिल्में आ रही हैं, अभी तक आपकी कोई हिट नहीं आई फिल्म। देर इज़ अ रीज़न फॉर इट, राइट? बिकॉज दे, अगर उन पर प्रेशर नहीं आएगा टू इम्प्रूव, देन दे विल नेवर इम्प्रूव। एंड आई एम सॉरी, इस स्केप कोट करने से नथिंग विल हैपन। बट अगर हम वो भी सारा करते हैं, अगर हम वैसे भी ऑडियंस की बात करें, तो वो किधर, हाउ डू वी ड्रॉ द लाइन कि यार किस बंदा डिफरेंट ऑडियंस? इट डजेंट मेक सेंस। इफ यू रीड द लॉ, कहते हैं जी जो जो भी वीडियो होगी जो एक ऑडियंस को, उसी तरह की ऑडियंस को केटर कर रही है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाता है, तलत हुसैन। अब तलत हुसैन टीवी पे नहीं आ सकता अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सेंसरशिप, बिकॉज ऑफ मेनी अदर थिंग्स, बट वेन दिस पर्सन कम्स एंड डज इज शो ऑन यूट्यूब, यस इट इज केटरिंग टू एन ऑडियंस दैट वॉचेज टीवी, बट देन दैट्स द केस फॉर एवरी थिंग, एंड दैट्स वाई इट डजेंट मेक सेंस। ऑब्वियसली आप पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स तो टीवी में भी ऑफर होती है, मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँ, एंटरटेनमेंट भी टीवी पे ऑफर होती है, और मैं तो आपको 5 मिलियन नहीं दे सकता, और ना मैं आपको 10 मिलियन दे सकता हूँ। और बाय द वे, ये 5 मिलियन 10 मिलियन नहीं, 5 मिलियन 10 मिलियन इज वन टाइम फीस बाय द वे। उसके ऊपर हर साल आपको उस पर 20% और देना होगा। तो बेसिकली कंपनी एक प्रोपेगेंडा इनके मॉडल में फेल कर देगी, इन मोस्ट मीडिया पब्लिकेशन फेल कर देंगी। फिर सिर्फ पीटीवी चलेगा, ठीक है, खुश रहेंगे, पीटीवी देखते रहेंगे, यहाँ बात नहीं खत्म होती। फिर जी जो ये कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स गए थे इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा जी कि यंग ये यूट्यूबर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा जी जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब यूट्यूब क्रिएटर्स अभी भी वीडियो डाल सकते हैं, उन्हें कोई नहीं उनके पीछे आ रहा, तो आप ना डरें। नहीं, आप ज़रा दोबारा डॉक्यूमेंट पढ़ें। उस डॉक्यूमेंट में बड़ा सीधा सीधा लिखा है भाई, अगर तो आपकी, जिस तरह भी आप क्रिएटर हैं ना, आप इंडिविजुअल हैं, आप ब्रांड हैं, आप जो मर्जी, पहली बात है क्या कौन डिफाइन करता है कौन क्रिएटर है कौन ब्रांड। आई थिंक प्यूडीपाई इज नॉट नाउ अ क्रिएटर, इज अ ब्रांड बिकॉज ही हैज अदर पीपल हु हेल्पिंग देम एंड यू नो इट्स बिकम्स अ होल कंपनी। बट रिगार्डलेस, अगर इंडिविजुअल क्रिएटर भी है ना, अगर वो पैसे कमा रहा है, अगर उसकी पैसे, अगर उसकी वो जो भी वीडियोज कर रहे हैं वो पैसे कमा रहा है, ही हैज़ टू पे, दैट्स इन द डॉक्यूमेंट। द ओनली टाइम वेन समवन डज नॉट हैव टू पे, जहाँ वो कहते हैं इंडिविजुअल क्रिएटर को नहीं पैसे देने, वो तब है जब उसकी वीडियो से कोई उसे कमर्शियल फ़ायदा नहीं हो रहा और वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। वो आपके पास बड़े कौन है? अगर आप यूट्यूब पर वीडियो लगा रहे हैं, जो भी ब्लॉगर्स और यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, इनमें से कोई सोशल गुड के लिए नहीं करता, ठीक है ना? सारे पैसे कमाने के लिए करते हैं, अपना नाम बनाते हैं, अनलेस यूर एन NGO, राइट? और वो भी माशाल्लाह बहुत पैसे कमाते हैं। बट ये यूट्यूब क्रिएटर्स अगर आके कोई वीडियो लगाते हैं और इनको इससे पैसे मिलते हैं, तो ये कमर्शियल एंटिटी हैं ब्रो, आप किस ख्वाबों में हो? आपको देने पड़ेंगे या आपको भी लॉ मारेगा? दिस वॉट ऑल्सो पिस मी ऑफ, सम पीपल वर सेइंग यार क्या फारिग हो चुकी है जर्नलिज्म, एंड इवन दिस पर्सन वर सेइंग मज़ामिल के यार जर्नलिज्म का क्या ही हाल हो गया है। पैमरा, आपको नहीं पता है पैमरा कितनी सेंसरशिप करता है, आपको नहीं पता है इस गवर्नमेंट ने कितने जर्नलिस्ट वगैरह के खिलाफ सेंसरशिप के मसले हो रहे हैं। दे आर नॉट अलाउड टू से द थिंग्स दे वॉन्ट टू, जो दूसरा, और उसके बाद मैं आता हूँ डिलेट कवरेज वाली चीज़ पे भी, आपको इस बात का नहीं पता, आप कैसे कह सकते हैं? देयर सिंपली कैन नॉट बी टू वेज अबाउट इट। पाकिस्तान इज प्रोड्यूस वन ऑफ द टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड, सो दिस आइडिया ऑफ पाकिस्तान की जर्नलिज्म खराब है? नहीं, फेक न्यूज़ एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है भाई। अगर किसी एक बंदे ने ब्रांड सिनेरियो टाइप पोस्ट की है, ब्रांड सिनेरियो शुडंट बी नोन फॉर दिस जर्नलिज्म, वो तो क्लिकबेट आर्टिकल्स करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने की भी है, एक आर्टिकल निकाला भी है इस पर, तो इससे क्या आपका ख्याल है जर्नलिज्म डेड हो गई है? फिर उसके अंदर जो एक और इशू आता है, वो आता है जी कहते हैं डिलेट कवरेज। अब डिलेट कवरेज क्या होता है जी? अब आजकल टीवी चैनल बाय द वे कांट गो फुली लाइव, तो उनका एक टाइमलाइन होता है जिसमें पैमरा चेक्स द कंटेंट दे आर गिविंग, और अगर उनको नहीं पसंद आता कंटेंट तो वो लाइव वीडियो इसलिए डिले रखा है ताकि वो उस कंटेंट को अंदर से कैंसिल कर सकें या बंद कर सकें। वो चाहते हैं वही चीज़ इंटरनेट पे भी है, तो द होल पर्पस ऑफ इंटरनेट विल फेल, द होल पर्पस ऑफ पीपल पुटिंग यूट्यूब एंड पीपल पुटिंग वीडियोज ऑन फेसबुक, सो दे कैन हैव फ्रीडम फ्रॉम दैट एंड दे कैन एक्चुअली इंगेज द वे दे वॉन्ट टू इंगेज विद दिस ऑडियंस, वुड फॉल्टर, वुड फेल। द अदर थिंग, यह बात नहीं खत्म होती, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो हिलेरियस। इन्होंने इसमें 4 एग्जाम्पल दिए हैं जो कहते हैं जी इन इन कंट्रीज़ के अंदर ना, ये हमने 4 कंट्रीज़ का मॉडल को पकड़ा है, उसी मॉडल के अंदर उन 4 कंट्रीज़ में ना एक भी कंट्री सवाए सिंगापुर के वो लाइसेंस नहीं होता। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दिया, उन्होंने सिंगापुर का दिया, और उन्होंने मलेशिया का दिया। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम में देर इज़ नो लाइसेंस, देर इज़ नो लाइसेंस, देर इज़ नो चेक, उसमें लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। देन यू कम विद सिंगापुर, सिंगापुर में देर इज़ अ लाइसेंस विच 5 साल का होता है, बट देर इज़ नो रेगुलेटरी फी। And then there, and Singapore, by the way, the country जो $70,000 लेता है सिर्फ अगर आपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को चेंज कराना है,
गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सिर्फ, नॉट द कार प्राइस बट जस्ट रजिस्ट्रेशन. वो भी कह रहे थे, वो कहते हैं यार ओह नहीं पागल है यार, यूट्यूब के ऊपर रेगुलेटरी फी लें. सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज नॉट टू रियली गो अगेंस्ट एनी वन पर्सन अ पर्टिकुलर पर्सन. आई थिंक एवरी वन हैज अ से एंड यू नो सब पीपल आर राइट. ये जो जहाँ तक बात है कि एक दो रूमर मैंने बात फैली थी कि जी ये पॉलिसी अब आ गई, अब तो बस लाइसेंस लैप हो जाना चाहिए, ये भी उन प्रोपेगेंडा ने भी किस तरह की हेडिंग दी, क्योंकि हमने जो कहीं सुना कि जी दे आर पुटिंग इट, बट देन वी कन्फर्म डर हमने कैप्शन में डाल दी थी जस्ट अ प्रपोजल. बट ये बात आई थी दैट्स अ वैलिड कंसर्न, इस पर आपको कहना भी चाहिए जी इस तरह फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए. बट दैट बींग सेड, दिस proposal is super problematic. The fact that they even thought about doing this is scary and people should raise their voice. Ye ji is tarah ki baat discuss hi kyun ho rahi hai? The fact that it's being discussed is wrong. This should be talked about. Yaar aap kyun soch rahe hain YouTube creators ko iske piche kya motive hai, kya purpose hai, kya fayda hoga, kaun camera mein ye log lage hain jo is cheez ko inhone socha bhi hai. There should definitely be more discussion on this. And people should and have a right to raise their voice on this and be angry about it. Okay guys, here's what I want you to do. I want you to go through a document once. Check it out. ठीक है? उसके बाद आप जाएं बाथरूम के अंदर, अपना कमोड खोलें और उसके अंदर इस डॉक्यूमेंट को अंदर फेंक दें और फिर इस तरह फ्लश लगा दें. बिकॉज ये उस डॉक्यूमेंट की औकात है और उस प्रपोजल की औकात है. सो थैंक यू गाइज, दिस इज हमजा गजनवी. और ये था एक बहुत ही रैंडम यहूदी सॉसेज का एपिसोड.